यूं तो आप लोगों ने कई तरह के पक्षी देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको जिस पक्षी के बारे में बताने जा रहा हूं उसकी बात ही अलग है, क्योंकि ये पक्षी मगरमच्छ तक का शिकार कर सकती है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा पक्षी है, तो गाइस ये कोई और नहीं बल्कि शूबिल है। ये एक ऐसा पक्षी है जो बेहद ही सेंसिटिव माना जाता है। इसका नाम शूबिल इसकी चोंच की वजह से पड़ा है, जो कि जूते के आकार की दिखाई देती है। वहीं अगर इस पक्षी की लंबाई की बात करें तो ये 4 से 5 फुट लंबी होती है। शूबिल पूर्वी अफ्रीका के सूडान से जाम्बिया तक में देखी जा सकती है, जिसका शरीर नीले भूरे रंग का होता है। इसकी गर्दन बहुत मजबूत होती है और पैर भी काफी लंबे होते हैं, लेकिन इसके शरीर की सबसे बड़ी विशेषता होती है इसकी चोंच। इनकी चोंच बड़ी तो होती ही है, साथ ही जूते के जैसी दिखाई देती है। इनकी ये चोंच लगभग 9 इंच लंबी और 4 इंच चौड़ी होती है। इस पक्षी की एक और खास बात यह है कि ये काफी लंबे समय तक एक ही अवस्था में खड़ी रह सकती हैं, और इसी वजह से इसे स्टैचू लाइक बर्ड भी कहा जाता है। अगर हम इस पक्षी के शिकार करने की बात करें तो ये अलग अलग तरह के एम्फीबियंस जैसे गिरगिट, चूहा, सांप, यहाँ तक कि मगरमच्छ के बच्चों को भी बहुत तेजी से अपना शिकार बना लेती है। ये अपने शिकार को देखते ही उस पर तेज रफ्तार से आगे बढ़ती है और शिकार को धर दबोचती है। और अगर शिकार बचने की कोशिश करे तो ये शूबिल अपने शिकार को आधे आधे टुकड़ों में बांट देती है। ये अपने शिकार को उसके मुंह में ही घायल कर देती है, इसलिए इसका शिकार आगे की लड़ाई बिना लड़े ही दम तोड़ देता है। वैसे इनकी एक और चीज काफी निराली है, और वो है इनका अनसोशल होना, क्योंकि ये अपने घोंसले सामूहिक रूप से नहीं बनाती हैं, इसलिए इनके घोंसले अलग अलग होते हैं। वहीं जब शूबिल के बच्चे पैदा होते हैं तो वो 2.5 महीने तक चल नहीं पाते, और तब तक अपने खाने और पीने के लिए अपनी माँ पर ही निर्भर रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, पक्षी जगत में माँ का लाड प्यार ज्यादातर उसके बड़े बच्चों को ही मिल पाता है। छोटे और कमजोर बच्चों को उसके खुद के समूह में प्रताड़ित किया जाता है, कभी उस समूह के बड़े बच्चों के द्वारा तो कभी उनकी माँ के द्वारा। एक्चुअली जब बच्चे भूखे प्यासे होते हैं तो अपनी माँ से खाना पानी मांगते हैं, और जब माँ उनके लिए खाना पानी लेने के लिए बाहर जाती है तो बड़े बच्चे छोटे बच्चों को मारते हैं, उन्हें काटते हैं, क्योंकि वो सारा खाना पानी और लाड प्यार खुद अकेले लेना चाहते हैं। और तब कमजोर बच्चे घोंसला छोड़कर जान बचाने के लिए माँ की तरफ भागते हैं। माँ के वापस लौटने पर वो सारा खेल समझ जरूर जाती है, लेकिन वो भी कमजोर बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करती है, और खाना पानी पहले अपने बड़े और तंदुरुस्त बच्चे को देती है और अपने कमजोर और घायल बच्चों को वैसे ही छोड़ देती है। इसे देखकर ये साफ समझ में आता है कि माता शूबिल अपने बच्चों को प्यार तो करती है, या यूं कहें कि सिर्फ कुछ बच्चों को ही प्यार करती है, वरना ये कमजोर और घायल छोटे वाले बच्चे को छोड़कर बड़े वालों को पानी सिर्फ नहीं पिलाती। ऐसे में आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि यह पक्षी ना सिर्फ देखने में अलग है बल्कि इनका स्वभाव भी काफी संवेदनशील है, जहां ये अपने कठोर फैसलों पर ही चलते हैं, और यहां तक कि इंसानों से भी दूरी बनाने में ये अपनी भलाई समझते हैं। जिसमें अगर शूबिल अपने घोंसले के आसपास इंसान का आना जाना देखती है तो ये अपना घोंसला तक छोड़कर किसी और जगह चली जाती है। दोस्तों ये सब देखने में काफी क्रूर लगता है ना, लेकिन पक्षी जगत में ऐसा कई पक्षियों के साथ होते रहता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस बेहद ही अनोखे और खतरनाक पक्षी में जानकर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।